कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए, देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मन मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100-100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं आप भारती की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। कि शांति का अब जमाना नहीं रहा कि माला लेकर बैठ जाओ बस शांति हो गई। आपने गाना सुना होगा, मुझे माफ करिएगा जो इस गाने के अनुयायी होंगे, एक गाना बजता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें आया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अरे कैसे खड़ग बिना ढाल के बिना आजादी मिल गई, कितने कितने वीरों ने इस देश के लिए सिर कटाए हैं तब हमको आजादी मिली है, बिना लड़े आजादी नहीं मिली है। अरे बिना लड़े आजादी मिल जाती तो राम कह देते ना कि अगर चरखा ले लो और सूत काटो और रावण को पसंद आ जाएगा सूत, तो रावण सीता को लौटा देगा वापस। क्यों नहीं राम ने चरखा पकड़ा दिया सबको, तो केवल चरखा पकड़ने से और सूत काटने से आजादी नहीं मिलती और शांति का भाषण देने से आजादी नहीं मिलती। राम ने अपने प्रत्यंचा पर अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और रावण के संग वध किया, तब माता सीता वापस आई। हिंदुओं आप राम बनो और अपने धनुष को तैयार कर लो और तभी इस देश से आतंक का नष्ट आतंक नष्ट विनष्ट होगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और मैं आपको एक बात कह दूं कि आज आप सभी लोगों को तैयार होना है। जब इस देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता का संग्राम मनाया जा रहा था, आजादी का संग्राम मनाया जा रहा था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, तब कश्मीर की केसर की क्यारियों में बारूदी सुरंगें फोड़ी जा रही थी। भाड़े से आए हुए कितने आतंकवादियों ने पता नहीं कितने निरापराध आदमियों को, कितने मासूमों की हत्या कर दी, तो वहां पर किसी नेता ने आंसू नहीं बहाए। पर बाबरी का ढांचा गिर जाने पर रोने वाले नेता छाती पेट पीट कर रोते थे, ऐसे छाती पीट रहे थे जैसे रावण के मरने पे मंदोदरी ने भी अपनी छाती नहीं पीटी होगी। इन देश के नेताओं को देखो, ये कुत्ते हैं और ये टुकड़ों के बल पर पल रहे हैं। और मैं आपको सावधान कर दूं कि इस देश की नेता से और इस देश के कानून से सावधान रहना, क्योंकि ना तो ये हमारी रक्षा करेगा बल्कि आपको नींद की गोली दे करके और सुलाएगा कि जितना आप सोओगे उतना इसको कुर्सी में बैठने के लिए मिलेगा। इस देश के नेता कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर तुम यूं ही सोए रहे राष्ट्रभक्तों तो ये बांट के भिखारी सारा वतन बेच देंगे, नीलाम कर देंगे मेरे देश को। इसलिए इस देश को नीलाम नहीं हो करना है, आप सभी लोगों को तैयार होना है, मुट्ठी बांध करके कहना है कि भारत देश हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और इस भारत देश पर किसी ने आंख उठा के देखी तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, उसकी आंखों को नोच करके गिद्धों के सामने फेंक दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को तैयार होना होगा। आज मैं आपको बता दूं कि इस देश में क्या हो रहा है। आज भी आप जाइए कश्मीर में तो वहां किसी हिंदुओं को चैन से जीना नहीं मिलता। कश्मीर में कश्मीर के लोगों को मार मार कर भगाते हैं, लोग घायल अवस्था में जम्मू के और दिल्ली के फुटपाथों पर लेटे हुए हैं। हमारा नेता कभी भी ये पूछने नहीं आया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है। को
कोई भी वहाँ पे पूछने के लिए नहीं जाता, पर मैं आपसे कहती हूँ कि आप तो हिंदू हैं, एक हिंदू दूसरे हिंदू की पीड़ा समझ सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब आतंक का नष्ट होना चाहिए। इस देश से आतंक का नष्ट तभी होगा जब आप सभी लोग तैयार होंगे, आप सभी लोग खड़े होंगे। क्यों, हमारे देश में राम सेतु पर ऐसा राम सेतु और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वह सेतु, उसको तोड़ने की बात कह दो कि जिस हाथों से राम सेतु टूटेगा उन हाथों को हम काट कर फेंक देंगे, और जी जो हमारे देश में हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम से नहीं मिल सकता वो हमसे भी नहीं मिल सकता, और उसको लात मारकर इस देश से बाहर निकाल देना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए, बस भगवान श्री राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत माता अपनी बाहों को फैलाए हुए है और कह रही है कि मेरे बेटो मैं तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर, जब तुम इस देश को इस भारत भारती को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करोगे तब भारत माता आपको चैन की नींद सुलाएगी। कृष्ण ने गीता में महाभारत के युद्ध के समय पे शंख बजाया, केवल कृष्ण को बांसुरी नहीं बजानी आती, कृष्ण शंख भी बजाता है, और कृष्ण ने शंख बजाया और शंख बजा करके कहा कि इस देश में पहले शंख बजा करके सबको जागृत करो, और जब सब जागृत हो जाएं तो फिर चैन की बांसुरी बजाना, फिर चैन से बैठ जाना, पहले राम का धनुष बाण उठा करके इस देश से रावण को खत्म कर दो, फिर कृष्ण की बांसुरी बजाने के लिए बैठ जाना। भारत माता तो स्वयं तैयार बैठी है, और हमें डराया जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे, तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना, और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता इंदिरा के स्थानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप, समझा दो उनको वरना भबक उठेगा पूरा देश, देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते रहे तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए, अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा, और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का समय है। इस देश में कानून बनाया गया, कहते हैं कि राम मंदिर का मामला अभी तक नहीं सुलझा, राम जी का मंदिर क्यों नहीं बन रहा है?
क्यों नहीं बन रहा है प्रभु श्री राम जी का मंदिर? कुछ समय पहले की बात थी, कहा गया कि कोर्ट जो निर्णय करेगी वही होगा। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, ये क्या राम मंदिर और राम सेतु का निर्णय कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, या हमारे देश के हिंदुओं की श्रद्धा या कि विश्वास निर्णय करेगा? आप बताइए क्या निर्णय करेगा? आपका विश्वास निर्णय करेगा तो आप अपने विश्वास से निर्णय करिए। अरे इन नेताओं को और इन पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, आप अपने से जाइए और एक एक ईंट लेकर, अगर हिंदुस्तान का एक एक आदमी एक एक ईंट लेकर गया तो मैं कहती हूँ कि राघवेंद्र सरकार का मंदिर कोई और नहीं बल्कि आप बनाएंगे, और केवल आपको केवल जाने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम का मंदिर आप बनाइए,